गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू निधिया व्लॉग्स। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। अभी तक जिसने मुझे इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट पे फॉलो नहीं किया है वो वहाँ जाके फॉलो करो, एंड दोज हु हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल ऑन यूट्यूब देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट सो दैट यू वॉन्ट मिस आउट एनी अपकमिंग एंड इम्पॉर्टेंट वीडियोज। अभी तक जिसने मेरी पिछली वीडियोज चेकआउट नहीं करें गाइज, प्लीज़ गो एंड वॉच आउट ऑल द वीडियोज। उसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की हुई है, एंड गाइज चैनल को शेयर करो। आई एम श्योर आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे पिछली वीडियोज से, एंड अभी आपको दिख रहा है रोशनी, सनलाइट दिख रहा है, और बिलीव मी गाइज अभी 8:30 का टाइम हो चुका है, रात के 8:30 दिन के नहीं। जब मैं यहाँ पे आई मैं भी अमेज थी एकदम देख के कि यार पता है इस टाइम पे ना काम करने का मन नहीं करता, वरना घर पे ऐसे होता था यार अंधेरा हो रहा है चलो खाना बनाते हैं, चलो ये काम कर लेते वो काम कर लेते, बट सी यहाँ 8:30 बिल्कुल दिन होता है। एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट, टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट व्हाट आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दैट इमिग्रेशन ऑफिसर मे आस्क यू एट द एयरपोर्ट। गाइस अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, एंड मेरी यहाँ पे कुछ लोगों से बात हुई उनका एक्सपीरियंस आप लोगों को बताऊँगी, क्वेश्चंस बताऊँगी क्या क्या मेन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कहीं से भी वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को कम्प्लीट देखना, फिर बाद में मत बोलना कि दीदी आपने ये नहीं बताया। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। एयरपोर्ट पे गाइस मुझसे सिर्फ एक क्वेश्चन किया गया था कि आप कौन से वीज़ा पे जा रहे हो, मैंने बता दिया सब क्लास 500 स्टूडेंट वीज़ा, एंड उन्होंने सीधा स्टैंप लगा दी उधर। उसके बाद गाइस मेरा ले ओवर था हांगकॉन्ग में। अब उधर का मेरा एक्सपीरियंस हॉरिबल था, मैं बताती हूँ वो कैसे। वहाँ जाने के बाद गाइस 1.5 घंटे का ले ओवर था, सब अच्छा था, 1.5 घंटे तक अच्छा था, खाना पीना खाया सब अच्छा गया। उसके बाद आपको दोबारा से सिक्योरिटी चेक इन एंड सिक्योरिटी चेक इन करवाना होता है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था मेरे साथ, जैसे सेल्फ चेक इन करना होता है अपने बोर्डिंग पास से, तो मैंने जैसे अपना पासपोर्ट लगाया या मैंने बोर्डिंग पास लगाया ना, उस टाइम पे उधर के मशीन्स में, उधर के सिस्टम में सब कुछ रेड लाइट्स आ गई, बीप 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 ऐसे साउंड आने लगी, और आई वाज शॉक्ड कि यार इतने जेन्युइन स्टूडेंट की भी ये लाइट क्यों आ रही। मुझे लगा हो सकता है मे बी मैंने ढंग से ना लगाया हो। देन उनके एक असिस्टेंट आए मेरी हेल्प करने के लिए, उन्होंने भी मेरा बोर्डिंग पास लगाया, देन अगेन द सेम थिंग हैपन्ड, फिर से रेड लाइट्स आ गई उधर, बीप 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 बीप। उन्होंने बोला मुझे कि चलो हमारे साथ चलो। गाइस वो मोमेंट ना बहुत, मैं यूँ हो गई थी यार कहीं यहाँ से मुझे वापस ना भेज दें, बट ऐसा नहीं होता। मैं खामा खा इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर गई थी, ऐसा सच में कुछ भी नहीं होता। अगर कुछ ऐसा होता है तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड देन यू आर गुड टू गो। गाइस ये मत सोचना कि आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा अगर आप क्वेश्चन नहीं बताओगे, नहीं होता। डिपोर्ट आपको कब किया जाता है, या तो आपके डॉक्यूमेंट्स फेक हों, या फिर आप कोई इलीगल चीज़ कैरी कर रहे हो अपने साथ जो कि बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हैं और आप कुछ क्वेश्चंस के अगर आंसर नहीं दे पा रहे हो गाइस वो चल जाता है, सो कुछ भी डरने की बात नहीं है। अब मैं बता दूँ, जैसे वो ऑफिसर आए, इमिग्रेशन ऑफिसर आए मेरे पास, तो वो कुछ अपना लेंस वगैरह लेके आए थे, तो उन्होंने क्या किया मेरा पासपोर्ट लिया, उस लेंस के साथ बिल्कुल ऐसे यूँ क्लियर करके देख रहे थे कि भाई कहीं ये बंदी फेक हो, कहीं ये नकली पासपोर्ट बनवा के लेके आई हो। अब मुझे नहीं पता है ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मेरे साथ जो थे मेरे एक दो फ्रेंड थे वो मुझसे आगे चले गए थे, उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ यार, वो 3-4 साल से ऑस्ट्रेलिया में है। बट ठीक है, फिर उन्होंने मेरे से कुछ क्वेश्चंस करे लाइक आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, कैंपस कौन सा है, आपका इंडिया वाला एड्रेस कौन सा है, कितने महीने की आपने फीस पे करी है, और आपका ऑस्ट्रेलिया में कौन है और वो क्या कोर्स कर रहा है, अगर कोई है तो उसका नाम बता देना, आप किसके पास जा रहे हो वो बता देना, उसका एड्रेस आपको पता होना चाहिए। बट थैंकफुली एक दिन पहले मैंने अपनी बहन से मैसेज करके, या पता नहीं मैंने मैसेज किया था, उसने मैसेज किया था, मुझे एड्रेस बता दिया था, इसलिए मुझे याद था कि घर का एड्रेस क्या है, एंड फिर से पूछी एंड देन ही सेड यू आर गुड टू गो। गाइस जैसे मैंने अपना पासपोर्ट एंड बोर्डिंग पास लगाया, फिर ग्रीन लाइट्स और मेरी एंट्री होगी। मतलब उस बंदे ने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, बस वो शायद ना उनका सिस्टम ही कुछ ऐसा, मुझे ऐसा लग रहा था कि इतने बंदे जाएंगे और नेक्स्ट बंदे का फिर वो रेड लाइट्स आ जाएंगे। आई मे बी रॉन्ग बट ठीक है जैसा था। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया में, वैसे ही मेलबर्न में लैंड हुए, थोड़ी घबराहट थी, थोड़ी नर्वस थी मैं कि यार पता नहीं क्या पूछेंगे एकदम से, एंड अगर मैं आंसर नहीं कर पाई तो क्या होगा। बट जैसे मैं इधर आई, मैं उधर इमिग्रेशन सेक्शन में गई, उन्होंने मुझसे लिटरली कुछ भी नहीं पूछा, एक क्वेश्चन भी नहीं किया, उन्होंने सीधा मेरा पासपोर्ट लिया, स्कैन किया एंड दैट्स इट, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। एंड आई वॉज लाइक यार इंडिया में से, मतलब इंडिया में एक क्वेश्चन पूछा था
हांगकांग में इतने सारे क्वेश्चन पूछ लिए और मेलबर्न में एक भी नहीं पूछा। एक्सपीरियंस ये था जिनसे मेरी बात हुई है। अब देखो ये आपको फ्लाइट की आवाज़ आ रही होगी, बिल्कुल 15 मिनट की दूरी पे एयरपोर्ट है, इसलिए इतनी आवाज़ आ रही है, बिल्कुल यहाँ नीचे से कम हाइट से जाती है। एंड गाइस जिनसे मेरी बात हुई है उनके साथ भी ऐसा ही था, किसी से कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछे, ना दिल्ली पूछे, ना उनका जहाँ लेओवर था वहाँ पूछा, ना मेलबर्न पूछा, किसी से 2-4 क्वेश्चन करे। सिर्फ यही क्वेश्चंस होते हैं कि आपके क्या आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, कोर्स कौन सा है, एंड कितने टाइम की फ़ी पे करी, आपका एड्रेस क्या है, हो सकता है कभी कभार ITR के बारे में भी पूछ ले, हो सकता है कभी कभी OSHC देख लें आपका। तो डॉक्यूमेंट्स अपने ज़रूर कैरी करना, मैंने पिछली वीडियो में डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बता दी थी, उनके अलावा और डॉक्यूमेंट्स कैरी नहीं करने। आई थिंक आई हैव कवर्ड इट ऑल। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन गिव इट अ थम्स अप, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ यू वांट मी टू मेक द वीडियो ऑन द टॉपिक ऑफ योर चॉइस देन यू आर मोस्ट वेलकम इन द कॉमेंट सेक्शन। सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड स्टे हैप्पी। Oh, 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 oh